नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। शरद पवार के भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार 2 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद से महाराष्ट्र राजनीतिक हलचल तेज है। इस बीच शुक्रवार को प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे बारे में गलत बातें फैलाई जा रही है, यह बगावत नहीं है, यह बहुमत है। एनसीपी नेताओं ने सहमति से अजीत परिवार को अपना नेता चुना है। फिर विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों के हस्ताक्षर वाला लेटर सौंपा गया। यह बैठक 30 जून को देवगिरी में हुई थी। इसके बाद मुझे नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट चुना गया। अनिल पाटिल को व्हिप नियुक्त किया गया। हम एनसीपी पार्टी हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली हमें सिंबल और पार्टी के अधिकार मिलने चाहिए। 30 जून को हमने इसके लिए चुनाव आयोग से संपर्क भी किया था। प्रफुल्ल पटेल ने गुरुवार को शरद पवार द्वारा की गई एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक को गलत बताया। उन्होंने कहा कि शरद पवार के पास मीटिंग लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सरकार में शामिल होने वाले विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन उनका फैसला हम पर लागू ही नहीं होता है। उधर मुंबई में भाजपा ने विधायक दल की बैठक की। इसमें विधायक के साथ विधान पार्षद भी मौजूद रहे। खबरें हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इसके बाद मानसून सत्र भी होना है। इसमें पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।